मंडी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लर्न एंड ग्लोरी। और आज के स्टूडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे इंग्लिश लर्निंग पार्ट 13 में रोज बोले जाने वाले हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंसेस, जिसको आप आसानी से इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल बनाया है लर्न एंड ग्लोरी ब्लॉग, उस पर मैंने केवल मोटिवेशनल वीडियोस डाली है। तो आप उस वीडियो को देख करके मुझे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे भी बताइएगा कि उसमें हम और क्या न्यू चेंजेस कर सकते हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है तुम मुझे याद आते हो। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मिस यू। क्या कहेंगे? आई मिस यू। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि आई विल। अब विल क्यों लगा? क्योंकि यहां पर लास्ट में देखिए दूंगा है, तो आई के साथ विल लग गया। आई विल चोक यू। क्या हो जाएगा? आई विल चोक यू। यहां पे देखिए है दोस्तों चोक, तो चोक का मतलब होता है कि गला दबाना या फिर गला घोटना। तो इसके यहां मैं पर लिख दिया चोक। अब नेक्स्ट है मजाक मत करो। तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट कट जोक्स। क्या कहेंगे? डोंट कट जोक्स। दोस्तों आप सभी को पता है कि जोक्स का मतलब होता है मजाक, तो हमने लिख दिया डोंट कट जोक्स। नेक्स्ट है मुझसे पंगा मत लेना। मुझसे पंगा मत लेना। तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि डोंट मेस विथ मी। क्या कहेंगे? डोंट मेस विथ मी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों है मेस, तो मेस का मतलब होता है पंगा। अब नेक्स्ट है खुलकर बोलना, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक स्पीक फ्रेंकली। दोस्तों फ्रेंकली यहाँ पर है तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल खुलकर बोलना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया स्पीक फ्रेंकली, मींस खुलकर बोलना। नेक्स्ट है दिल खोलकर बातें करना, तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक वंस। क्या कहेंगे? स्पीक वंस हर्ट आउट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पीक वंस हर्ट आउट, मींस दिल खोलकर बातें करना। नेक्स्ट है मुझे शर्म आती है, तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि आई फील शाई। क्या बोलेंगे? आई फील शाई। नेक्स्ट है इसमें शर्माने की क्या बात है, तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि वॉट इज शेम। देखिए दोस्तों यहाँ पर है शेम, तो शेम का मतलब होता है शर्माना। दोस्तों एक और सेम होता है जिसमें एच नहीं होता है, एस ए एम ई होता है, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल सेम, मतलब बिल्कुल एक तरह, तो उसका इंग्लिश होता है सेम। और एक होता है जिसमें एच लगा होता है जिसको हम बोलते हैं शेम, तो अब इसकी इंग्लिश होती है शर्माना। नेक्स्ट है मेरा दिमाग खराब मत करो, तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। तो अब दोस्तों जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं इसको हमने इंग्लिश में लिख लिया। चलिए देखते हैं इसके आगे के सेंटेंसेस। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे हरा सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे आई कैन डिफीट हिम। दोस्तों यहाँ पर हम डिफीट की जगह पर बीट भी लगा सकते हैं, मीन्स आई कैन बीट हिम। अब दोस्तों अगर यहीं पर मान लीजिए रहेगा कि मैं उससे जीत सकता हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए अगर आपको पता है कि जीतने की इंग्लिश विन होती है, तो यहाँ पर हम आसानी से बोल सकते हैं आई कैन विन हिम, मीन्स कि मैं उससे जीत सकता हूँ। नेक्स्ट है मैं कार चला सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि आई कैन ड्राइव अ
मकार ही नहीं कुछ भी हो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आई कैन ड्राइव अ साइकिल। या फिर हो जाएगा कि मैं बस चला सकता हूँ, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि आई कैन ड्राइव ए बस। मीन्स जो भी चला सकता है वो कहना है, आप कार की जगह पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसको भी इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इसको भी इंग्लिश में कह देंगे कि आई कैन डू एनीथिंग। क्या बोलेंगे, आई कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या यह सच हो सकता है, तो इसको भी इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कि कैन दिस बी ट्रू। या फिर दोस्तों क्या यह सच हो सकता है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि कैन इट बी ट्रू, यानी कि हम दिस की जगह पर इट भी लगा सकते हैं, दोनों के बाद एक ही है। नेक्स्ट है वह आ सकता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में कह देंगे ही कैन कम। क्या बोलेंगे, ही कैन कम। अगर रहेगा वह आ सकती है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी कैन कम। अब नेक्स्ट है मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसको हम इंग्लिश में कह देंगे आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू गो मीन्स मुझे जाना है। नेक्स्ट है क्या मैं आपका फैन यूज कर सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम इंग्लिश में कह देंगे कैन आई यूज योर पेन। क्या बोलेंगे, कैन आई यूज योर पेन। नेक्स्ट है मेरा इंतजार मत करना, मेरा इंतजार मत करना, तो अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में कह देंगे डोंट वेट फॉर मी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डोंट वेट फॉर मी मीन्स मेरा इंतजार मत करना। तो अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं इसको हमने इंग्लिश में लिख लिया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय जय भारत।